हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर which is less than 50, which is less than 50, मतलब 50 से कम किसी भी संख्या का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे ओनली 5 सेकेंड में। ठीक है, तो किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने से पहले आपको एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी, वो एक 25 क्या याद करना पड़ेगा हमको, मात्र 25। 50 से कम कभी भी किसी संख्या के स्क्वायर की बात की जाए तो आपको 25 हमेशा याद रखना चाहिए, सिर्फ 25 को याद रखिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम स्क्वायर निकालने। तो मान लीजिए हमें निकालना है स्क्वायर 47 का, निकालना है हमें स्क्वायर। ठीक है, 47 का हमें करना है स्क्वायर। तो ध्यान देना है कि 47 जो है ये 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है 47, तो 3 कम है, सॉरी कितना कम है, 3 कम है। तो 3 के कर देना है हमें स्क्वायर, क्या हुआ 3 के स्क्वायर कर देना हमें स्क्वायर, कितने होंगे 9। तो 9 के लेफ्ट में बैठा देना एक 0, क्लियर है। उसके बाद देखना है कि 3 कम था 50 से 47 जो है 3 कम था, तो फिर 25 में से 3 को कर देना है माइनस, क्या करना है 25 में से 3 को कर देना है माइनस, कितना होगा 22। तो हमारा आंसर हो जाएगा 22, समझ आया। चलिए एक और देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हमें निकालना है 46 का स्क्वायर। ठीक है, तो 46 जो है आपका 50 से कितना कम है, 46 बोलेंगे कि 4 कम है। तो सबसे पहले लिखना है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, दो डिजिट लिखना है। अगर 3 का रहता है 3 का होता है 9, तो दो डिजिट पढ़ाने के लिए हमें एक 0 बैठाना पड़ता है लेफ्ट में। ठीक है, तो 46 जो है 50 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। अब क्या करना है, मैंने आप लोगों को बोला था कि 25 हमेशा याद रखना है, और जितना 50 से कम होगा उतना ही क्या करना है आपको 25 में से 4 को घटा देना है, कितना होगा आपका 21। यहाँ पर लिख देना आपको 21, ये आपका हो गया स्क्वायर। चलिए एक और देखते हैं हम लोग, 48 का स्क्वायर। तो 48 का स्क्वायर करने के लिए क्या करें हम लोग, 48 जो आपका है 50 से 2 कम है, तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग कितना होगा 4। मैंने क्या बताया था कि दो डिजिट लिखना है, दो डिजिट के लिए 4 के लेफ्ट में क्या करेंगे कि 0 बैठाएंगे, 4 हो गया। और मैंने 25 को बोला था याद करने के लिए, 25 में से कर देना है आपको 2 को माइनस, कितना हो जाएगा भाई 23। तो यहाँ पर लिख देना आपको 23, हो गया हमारा आंसर, क्लियर है। एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग। एक मान लीजिए लिख देंगे हम लोग 43, तो 43 का हमें करना है स्क्वायर। तो 43 जो है 50 से 7 कम है, तो 7 एक कर देंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा 49। दो डिजिट है, 0 बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 43 जो है 50 से 7 कम है, तो 25 में से हमें घटा देना है 7, क्या करना है हमको 25 से माइनस कर देना है कितना 7, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देना है हम 18, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कितना हो गया 18, चलिए ये हमारा हो गया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।